फ्रेंड्स, कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक है तेजस फाइटर, तेजस MK1 एंड MK2, HAL तेजस, MiG-21, कंपैरिजन विद JF-17 फाइटर बाय खान सर। देखते हैं इस वीडियो में आज क्या है ऐसा। आइए शुरू करते हैं। जय हिंद। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रक्षा सौदा जो भारतीय कंपनियों को दिया है वो 48,000 करोड़ रुपए का दिया है, जिसमें 83 तेजस जहाज़ों को खरीदा जाएगा। तेजस जहाज़ों की क्या खासियत होगी? हालांकि तेजस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा तेजस Mk2, लेकिन फिर भी अभी भी हमको तेजस की ज़रूरत है। इसे देखते हुए इसे रिप्लेस किया जाएगा MiG-21 के जगह पर। MiG-21 में क्या क्या खराबी थी? हालांकि तेजस MiG-21 का जगह नहीं लेगा, ये जगह लेगा मिराज का, लेकिन खाली जगहों को भरेगा, मतलब ये मिराज के टक्कर का है। लेकिन जब MiG-21 को रिटायर किया जाएगा तो उसके जगह पे रखा जाएगा। देखिए, तेजस जो है इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी बनाएगी। इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में। आपसे इसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसका अभी इसके CEO कौन है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन है इनके CEO। तो जो 83 तेजस को डेवलप किया जा रहा है, तेजस 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये डिफेंसिव नहीं होगा, देखिए ये बचाव के काम में नहीं आएगा, ये ऑफेंसिव होगा, क्योंकि इसके पास डिफेंसिव मनूवर की वो चीज़ कैपेबिलिटी नहीं है। ये अटैकिंग मोड में ज़्यादा रहेगा। 2024 तक हम लोग MiG-21 को पूरी तरह से अपने स्क्वाड्रन से हटा देंगे और उसके जगह पे तेजस को हम लोग वहां लगा देंगे। स्क्वाड्रन क्या होता है ये आगे समझेंगे। देखिए, MiG-21 के गिरने के कई कारण थे। पहला कि 1964 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, उस समय ये सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था। इसमें क्रैश उस समय से लेकर 490 क्रैश हो चुके हैं। सोचिए, इतनी जहाजें गिर चुकी हैं, लगभग 200 पायलट की इसमें जान जा चुका है। जहाज खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा ला सकते हैं। हर पायलट खो देने के बाद दोबारा नहीं आते। इसमें गिरने की जो सबसे बड़ी समस्या है वो इसकी लैंडिंग स्पीड है। लैंड करता है कितने स्पीड पर? 350 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचा 400 किलोमीटर प्रति घंटा पर टेक ऑफ कर जाएगा, 350 पर लैंड करता है। लैंड करने की वजह से इसके पीछे पैराशूट खोलना पड़ता है। सोचिए, उतना पुराना जहाज में पीछे पैराशूट, अगर ये पैराशूट नहीं खुलेगा ना तो इसकी लैंडिंग स्पीड इतनी होती है कि इंजन में आग लग जाएगा या तो फिर रनवे तोड़ के निकल जाएगा। तो कई बार इसके इंजन में आग लगने से ही इसकी दुर्घटना हुई है। हालांकि MiG-21 एक बहुत ही अच्छा इंटरसेप्टर है, इसमें दूसरे जहाजों को टैकल करने की काफी क्षमता है, ये बहुत अच्छे मनूवर कर सकता है। इसी से अभिनंदन पायलट जो थे उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार के गिराया था। हालांकि ये पाकिस्तान कहता है कि हमारे F-16 तो गिरे ही नहीं। भैया, उसका मलबा जो कचरा था हमारे इंडिया में आके गिरा था, उसे देख लो। नहीं भी देखना है तो कोई बात नहीं। जून के महीने में पाकिस्तान ने कराची में एक युद्धाभ्यास किया, जिस वजह से पूरी लाइट वहां की कट गई थी। और उस युद्धाभ्यास में कहा गया कि हमारा एक F-16 जहाज गिर गया है। वो गिरा नहीं है भैया, वो ऐसे बन दिया गया कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ताकि जो एक अभिनंदन के MiG-21 से जो गिराया गया था उसकी कोटा को बराबर किया जा सके और दुनिया को कहा जा सके भाई ऐसा। तो खैर, इसको हटाते हैं। देखिए, इसमें एक और समस्या होती है कि इसमें इजेक्शन लैग हो जाता है। जब कभी भी जहाज में कोई दुर्घटना होती है तो इसका जो सीट होता है इसे इजेक्शन सीट कहते हैं। इस सीट में पैराशूट होता है, नीचे एक रॉकेट लगे होते हैं। जैसे पायलट इसके इजेक्शन करता है तो ऊपर का शीशा टूट जाता है और ये सीट बहुत तेजी से पायलट को बाहर फेंक देती है और पैराशूट खुल के गिरता है, जिससे कि ये सुरक्षित आ जाता है। अब ये नहीं निकलेगा तो गिर जाएगा। देखिए, यहां से पायलट ने इजेक्शन सीट निकाल दिया। सोचिए, अगर नहीं निकला रहता वहां पैराशूट से पायलट, तो क्या हाल हुआ रहता? इसी में चला गया रहता पायलट। MiG-21 में ये खुलने में थोड़ा टाइम लगता था, जिस वजह से अंदर ही ब्लास्ट कर जाती थी। और इसकी जो पार्ट्स थे भाई साहब, इसके पार्ट्स मिलने ही बंद हो गए, क्योंकि इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था और 1991 में सोवियत यूनियन 15 देशों में टूट गया। ये जो 15 देश थे, इसमें से जो टूट गया था, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और रूस, ये 15 देश टूट गए। अब इसमें जो मेन मैन्युफैक्चरिंग होता था वो अलग अलग देशों में होता था। पहले जब हम लोग 1964 में खरीदे थे तो डायरेक्ट USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से, यानी सोवियत संघ से खरीद लेते थे। लेकिन इसके 1991 में जब इसका विघटन हो गया तो हमारे पास इसके पार्ट पुर्जे मिलने कम हो गए, जिस वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कत आने लगी और इस जहाज में के दुर्घटना होने लगे, जिस वजह से इसे उड़ता हुआ ताबूत या फ्लाइंग कॉफिन कहते थे, क्योंकि ये पायलटों की जान लेता था। और इसका एक निक नेम भी था विडो मेकर, यानी ये पायलटों की पत्नी को विधवा बना देता था, ये इसे नाम दिया गया था इसके अत्यधिक दुर्घटना होने के कारण। हालांकि भारत ने 1964 में गलती ये किया था कि सोवियत संघ से ये समझौता नहीं किया था कि इस जहाज़ों को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जबकि चाइना ने इसके समझौता ठीक सोवियत संघ से किया था। उसने कहा हम इस जहाज़ों को खरीदेंगे नहीं बल्कि चाइना में बनाएंगे, जिसका उसने नाम चेंगडू J7 रखा। आज भी चाइना की ये रीढ़ मानी जाती है। चाइनीज एयरफोर्स में अभी भी सबसे ज़्यादा संख्या जो है MiG-21 की ही है और वो MiG-21 को चेंगडू J7 कहता है। लेकिन वो पार्ट पुर्जा को वहीं बना लेता है, जिस वजह से जो जो कुछ गड़बड़ी होती है उसे एट अ टाइम ठीक कर लेता है
और दुर्घटना से बच जाता है। देखिए तेजस की अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे तो ये मिराज 2000 की कैटेगरी में आएगा। ये मिराज 2000 बहुत ही बेहतरीन लड़ाकू जहाज है। कारगिल की लड़ाई में यही था जो पाकिस्तान में घुस के वहां के आतंकवादियों की तहलका मचा दिया था वहां पर। इसकी बम्बार्डमेंट की वजह से हमारी भारतीय थल सेना के आगे बढ़ना आसान हो गया था, लेकिन हम लोग ने मिराज में जो कमियां थी उसको दूर करके हम लोगों ने तेजस में रखा। तेजस में अगर देखेंगे तो जो विंग होते हैं ये विंग बीच में है, जबकि मिराज में ये विंग बॉडी के एकदम निचले पार्ट में है। आप ध्यान दीजिए एकदम नीचे पार्ट में, निचले पार्ट में होने के वजह से इसमें स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी पहाड़ों के एरिया में। इस वजह से आप इसमें देखिएगा ये विंग आप देखिए ना ही एकदम ऊपर में है और ना ही एकदम नीचे में है, इसको मिडिल साइज में रखा गया है, मिडिल में। तो मिडिल में होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि मिराज में ये नीचे है। तेजस में सुधार भी होगा, तेजस मार्क 1 से ज़्यादा अच्छा रहेगा तेजस मार्क 2। इसमें जो यहाँ पे जो दिए जाएंगे ये कनाट्स दिए जाएंगे, ये कनाट्स जो होते हैं बेहतर मनोवरिंग करने की क्षमता दे देते हैं, जिससे कि ये मिसाइल से बचाव कर सकता है। ये मार्क 2 में ये क्षमता आएगी। तेजस के नेवल वर्जन को भी तैयार कर लिया गया है, ये अरेस्टेड लैंडिंग कर लेगा। जहाजों को जब एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतारते हैं तो ये तार होता है ये फंसा लेता है जो एयर अरेस्टेड लैंडिंग करते हैं, क्योंकि पीछे पैराशूट खुलने का जगह नहीं रहता है, ये आगे गिरने से बच जाता है। अरेस्टेड लैंडिंग में जहाज में एक हुक होता है जो रस्सी को फंसा लेता है, यहाँ रस्सी फंस गई और जहाज को आगे जाने से रोक देती है, ये रस्सी अरेस्टेड लैंडिंग कहलाती है। इससे काफी जरूरी होता है ताकि जहाज को आगे गिरने से रोका जा सके, वरना ये समुद्र में गिर जाएगा। तेजस में लगाए जाने वाले कावेरी इंजन उतना सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसमें वाइब्रेशन और थोड़ा सा पावर लैग की समस्या थी, इसलिए जो तेजस में हम लोग ने इंजन लगाया है वो अमेरिका से आयातित जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन को लगाया गया है। ये इंजन सिंगल इंजन पर काम करता है, ये तेजस का ये जो जहाज है। और ये इंजन देखिएगा किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है, दो ही हिस्से मेन चीज होते हैं, एक उसका होता है इंजन, दूसरा इसके अंदर जो टैक्टिकल चीजें हैं सेंसर मिसाइल रडार वगैरह ये सब चीजें होती हैं। तो यही दो चीज पे मिसाइलें वगैरह उतना मतलब नहीं हो, तो भारत भी बनाने में सक्षम है हर तरह के मिसाइलों को। तो ये इंजन अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया जा रहा है। तेजस की सबसे बड़ी समस्या इसका इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी, ये अपने साथ केवल 2500 लीटर पेट्रोल को ले जा सकता है, फ्यूल को ले जा सकता है, जिस वजह से ये केवल 3500 स्क्वायर मतलब 3500 किलोमीटर के एरिया में ये डोमिनेट कर सकता है, हमला कर सकता है। इसी वजह से इसमें एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक दिए जाते हैं। ये टैंक जो होते हैं इसमें पेट्रोल भरा होता है, फ्यूल इसका भरा होता है, ठीक है। तो ये जो फ्यूल होते हैं इसमें हम लोग को लगता था भैया ये सबसे खतरनाक वाला मिसाइल है जब हम लोग छोटे थे, तो बाद में पापा बोले अरे गधा वो मिसाइल ही नहीं है, तो ड्रॉप टैंक है, तो इसमें फ्यूल भरा होता है। जब जहाज उड़ रही होती है तो वो इसी फ्यूल का यूज करती है, लेकिन जहाज के पीछे अगर कोई हमलावर दूसरी जहाज लग जाती है या उसे भागना होता है तो इसे ड्रॉप कर देती है, गिरा देती है नीचे, जिसलिए इसे ड्रॉप टैंक कहते हैं, जिस वजह से इसका वेट हल्का हो जाता है। और इसे ड्रॉप करने के बाद वो अपने मेन फ्यूल से वो उड़ान भरती है, तो मेन फ्यूल से भाग जाती है। इसे बीच में मिड एयर रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि ये हवा से हवा में उड़ान भर सके, जिस वजह से इसका जो एरिया है वो आगे बढ़ सके। हालांकि आपको ये एरिया कम लग रहा होगा, लेकिन इसका अगर मिड एयर रिफ्यूलिंग की जाती है या फिर ड्रॉप टैंक के यूज से इसके एरिया को बढ़ाया जा सकता है, उसमें अपना नोजल लगा के उसमें फ्यूल को भर सकते हैं। अब आप इसको देखिएगा ये मिड एयर रिफ्यूलिंग से अपने तीनों टैंक को भर लेगा, यहाँ पे ये भी टैंक है, ये भी टैंक है, नीचे भी टैंक है। तेजस में जो रडार लगाया जाएगा वो उत्तम ऐसा रडार को लगाने की प्रोग्रामिंग है, जिसमें छोटे छोटे टीआर मॉड्यूल होंगे। ये टीआर मॉड्यूल जो होते हैं ये मल्टीपल रडार की तरह काम करने लगते हैं, और ये 2 मीटर स्क्वायर की एरिया को 2 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं। अब हवा में कोई कौआ उड़ेगा या चील उड़ेगा तो उसको नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो छोटा होता है। अब खुद सोचिए ना, 2 मीटर यही होता है, मान के चलिए आदमी एक तो लगभग 2 मीटर का होता है, तो इतनी बड़ी, इससे छोटा तो जहाज होगा ही नहीं, ड्रोन भी इससे छोटा होगा तो फिर वो हमला नहीं कर पाएगा। तो उतने छोटे चीजों को ये पकड़ सकता है अपने रडार में, और ये पता सकता है कि रडार में अगर जो रेड कलर का एरिया रहेगा बस वही बताएगा कि ये दुश्मन का है, हमारा दोस्त का है, ये इसमें आराम से पकड़ सकता है। इसके थुथुर में इसको रडार को सेट कर दिया जाएगा, आगे का जो थुथुर होता है उसी में रडार लगाए गए रहते हैं। और हद देखिए इस खुद का, इसका दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है, छोटा एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसको रडार में देखिएगा जब ये हवा में उड़ता है तो रडार में ये केवल 1 मीटर स्क्वायर में आता है, यानी एक दूसरा तेजस ही इस तेजस को नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि जो रडार पकड़ते हैं वो 2 मीटर के पकड़ते हैं और ये दिखता है 1 मीटर का, तो रडार उसको नेग्लेक्ट कर देता है, कहता है कि ये जहाज है ही नहीं है, इसीलिए इसको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये भी इसके अंदर भी एक और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी गई है, ये दुश्मन को पकड़ने के लिए केवल रडार का यूज नहीं करता है बल्कि इंफ्रारेड का यूज करता है। आप यहाँ देखेंगे तो एक इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है, ये इंफ्रारेड किरणों को छोड़ता है जो एनर्जी हीट को पकड़ती है। अब जहाज उड़ेगी तो उसके इंजन से हीट निकले
निकलने का हीट, और उस हीट को पकड़ लेती है जिसमें जिससे कि वो एक इसका जहाज का एक फिगर बना के उसको आराम से हीट कर सकती है। इसलिए आपके अंदर कितना भी सुविधा है, स्टिल्थ भी है, तो उड़ते में इंजन तो बंद नहीं कीजिएगा, इंजन की हीट को ये आराम से पकड़ सकता है और उसको मिसाइल छोड़ सकता है। अब जैसे यहाँ से ये हीट पकड़ लिया इसके बॉडी के पीछे का और यहाँ से एक मिसाइल मार दिया, जाओ या तो इंजन बंद करो, इंजन बंद करोगे तो तुम गिरोगे, नहीं गिरोगे तो ये मार देगा। इससे सर्विस सीलिंग यानी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 50,000 फीट के बाद से रडार उतना बेहतरीन ढंग से काम नहीं कर सकते, ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 1.8 मैक की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोल सकता है। इसमें जो हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं वो लगभग 7 से 11 हार्ड पॉइंट लगाए गए। हार्ड पॉइंट उसे कहते हैं जहां पर मिसाइलों वगैरह को लगाया जाता है जिससे कि ये हमला कर सकते हैं। छोटी गाड़ियां जो होती है इन मिसाइलों को उठा के लाती है और उसके बाद से इन्हें हम लोग जहाज के करीब ले आते हैं और जहाज के जो विंग्स होते हैं उनके हार्ड पॉइंट में इन्हें हम लोग फिट कर देते हैं ताकि हमला के समय ये एकदम सटीक हमला कर सके। जब ये हार्ड पॉइंट में फिट हो जाएंगे तब इस जहाज को उड़ा दिया जाएगा। तो हार्ड पॉइंट होते हैं सर इसमें, इसमें जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 5 से 6 टन है। एक ट्रक जो होता है वो 1 टन उठा सकता है, लगभग 6 ट्रक को लेकर उतनी तेजी से उड़ान भर सकता है। इसमें हर तरह की मिसाइल होंगी, एयर टू एयर मिसाइलों के लिए अस्त्र मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी जहां तक आसमान में आप देख नहीं सकते वहां तक ये हमला कर सकता है। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इस मिसाइल में धुआं नहीं निकलते, अस्त्र मिसाइल धुआं नहीं छोड़ती है, केवल इसके पीछे से हीट निकलता है। ये अस्त्र मिसाइल पीछे से जो लाल दिख रहा होगा वो धुआं नहीं है, उसका हीट है जो रेड कलर का होता है, तो ये दुश्मन इसे पकड़ नहीं सकता है। हालांकि इस पे एक और मिसाइल लगाएंगे, एयर टू ग्राउंड के लिए ब्रह्मोस होगा, एयर टू एयर के लिए भी ब्रह्मोस काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। तो ये मिसाइलों के लिए तो हमें कोई पूछना ही नहीं है। और उसके बाद भी हम लोग MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम के सदस्य हो चुके हैं, हम जो मन मिसाइलें खरीद सकते हैं, जो मन मिसाइलें बेच सकते हैं, तो मिसाइल के मामले में हम लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिसाइल किसी को मार दे तो इसको मिसाइल को बचने के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ कंट्रोल पैनल इसे बता देगा कि पीछे कोई मिसाइल आ रही है, तो ये फ्लेयर छोड़ देगा, इसे धुआं धुआं छोड़ देगा, तो मिसाइलवा कंफ्यूज हो जाएगी, अरे इंजन तो तनी सा गर्म है और ये उससे भी भयानक गर्म है, तो मिसाइलवा इधर चल जाएगी, कह देगा जब मार दो मार दो, हम तो चल रहे हैं, इधर चल देंगे यहाँ पर। यह फ्लेयर के द्वारा अपनी सुरक्षा कर सकता है और फ्लेयर छोड़ छोड़ के पूरी तरह से आसमान में मिसाइल को कंफ्यूज करके भाग जाता है। इसके कॉकपिट में वॉइस कमांड भी दिया गया है, जैसे आप लोग गूगल में देखिएगा ना, बोल देते हैं गूगला से पूछ देते हैं कुछ कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो बोल देता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ऐसे करके वो महिला बोलती है ना गूगला में, वैसे ही इसमें वॉइस कमांड दिया गया है इसके कॉकपिट में, ताकि पायलट को अगर मैनूवर करने में दिक्कत हो तो कुछ बोल देगा, मिसाइल मार, हो जो दहीने भाग रहा है मार देगा, धाएं दे उसको यहाँ पर। और इसमें जो स्क्रीन दी गई है जो मिसाइलों को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। सामने के डिस्प्ले की मदद से ये दुश्मन के जहाज को पहले व्यूज देखते हैं, जैसे सामने व्यू दिख गया, विजुअल हो गया, अब अपने जहाज को ठीक उसके सीध में कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर जहाज दिख रहा होगा, विजुअल पहले पायलट खोजेगा, उसके बाद उसको अपने सामने के रडार में लाएगा। जहाज के पास केवल आगे का रडार होता है, जैसे ये विजुअल दिख रहा है आपको दुश्मन का जहाज, यहाँ पे छोटा सा जहाज दिख रहा है विजुअल, अब इस जहाज को सीध में लाएगा। अब जैसे इसमें जहाज के आगे चौकोर घेर लिया, मतलब इसका रडार पकड़ लिया, इसको इस गोल सर्किल में लाके गोली मारेगा, उसको लग जाएगा, गोली मार दिया लग गया, लेकिन उसके डैने पे लगाया वो भाग गया। अब ये क्या करेगा, उसको दौड़ाएगा वापस, उसको विजुअल देखेगा कि कहाँ भागा है वो। जब उसको विजुअल देख लिया जाएगा कि यहाँ पर है, तो फिर जहाज को ये उठाएगा, फिर उसको रडार में लाएगा, रडार में जैसे आएगा चौकोर बन गया, अब इस गोल सर्किल में जैसे आ जाएगा तो लॉक हो गया, अब वो नहीं बच पाएगा, अब गोली चलाएगा तो नहीं बचेगा, ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। ये विजुअल सीन को जहाज ऊपर उठाएगा, इसको अपने जहाज के फेस को नोज ऊपर उठाएगा, अब इसको रडार में लाएगा, रडार जैसे इसको पकड़ेगा इस पे चौकोर हो गया, अब इसको लॉक करेगा, लॉक हो गया इस पे, लॉक कर भाई साहब भाग जाएगा, अभी ये सर्किल में आ गया, लॉक नहीं होगा, अब मारेगा तो इस पे लग जाएगा, लग गया अब इसके ऊपर, अब उसको बचना मुश्किल है, लॉक हो गया वो। तो तेजस हमारे लिए एक सफिशियंट हो जाएगा, MiG-21 का जगह ले लेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं टू फ्रंट वार का, तो एक यानी चाइना को और एक पाकिस्तान, हालांकि इसमें टू फ्रंट नहीं कहना चाहिए, एक ये फ्रंट हो गया, आधा फ्रंट ये हो गया, डेढ़ फ्रंट वार की बात करते हैं। तो यहाँ हमने टू लिख दिया, गलती से लिखना चाहिए था डेढ़ फ्रंट वार के लिए। तो हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। स्क्वाड्रन क्या होता है, जिस तरह से फौज में बटालियन होती है, नेवी में फ्लीट होता है, उसी तरह एयरफोर्स में स्क्वाड्रन होता है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 जहाजों को रखा जाता है, कोई कोई स्क्वाड्रन में 18 से ज्यादा भी होते हैं, कुछ कुछ स्क्वाड्रन में 18 से कम भी जहाजें होती है, लेकिन अमूमन एक स्क्वाड्रन में ये मान के चलते हैं कि 18 जहाजें होती हैं। भारत के पास अभी 26 स्क्वाड्रन है, जबकि हमें टू फ्रंट वार एक साथ झेलना पड़े तो हमें चाहिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए, यानी सोच सकते हैं हमारे पास कितनी कमी है, स्क्वाड्रन में कमी समझ में आ रहा है, जबकि एक स्क्वाड्रन में जहाजों की संख्या देखिए तो कितना होता है। हालांकि स्क्वाड्रन में केवल एक जहाज को मायने रख के स्क्वाड्रन नहीं बनाया जाता है, स्क्वाड्रन पूरे जहाजों का एक ग्रुप होता है, जो भी स्क्वाड्रन
विमान होता है, उसके पास अपना ट्रांसपोर्ट जहाज होता है, उसके पास मिड ईयर रिफ्यूलर होता है जो दुश्मन की जहाज घुस के एरिया में अपने जहाजों को पेट्रोल भर सके, उसके पास अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होते हैं, मतलब हर एक स्क्वाड्रन का अपना अपना उसका अपना एयर बेस होता है। जैसे ये एक स्क्वाड्रन है MiG-29 का, ये एक स्क्वाड्रन खड़ा हुआ है, तो ये रेडी टू मूव पोजिशन में रहते हैं। इनको पता होता है कि कौन सी जहाजों को स्टैंड बाई में रखा गया है, किस जहाजों को एक्टिव मूड में रखा गया है, कि जैसे हमला होगा रात 2 बजे भी तो कौन जाएगा सबसे पहले। जैसे उस वक्त में अभिनंदन पायलट रेडी थे इसलिए उन्हीं को उड़ा दिया गया वहां पे। इसका पूरा भारी भरकम एक बेस होता है जहां मेंटेनेंस वगैरह सारा ये खुद करते हैं लोग स्क्वाड्रन वाले। तो भारत के पास जो अटैक जहाज है सर या उन्नत कैटेगरी के हैं सर, उसके स्क्वाड्रन में कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो स्क्वाड्रन है 26 स्क्वाड्रन है, उसमें से 14 स्क्वाड्रन तो सुखोई के हैं जो एकदम एडवांस है, 6 स्क्वाड्रन जगुआर के हैं जो एटॉमिक हमला करने के में सक्षम है, 3 स्क्वाड्रन MiG-29 के हैं, 3 स्क्वाड्रन मिराज के हैं, और अभी 2 स्क्वाड्रन यानी 18 दो ठो जहाज आ जाएंगे, 36 इसमें भी हो जाएंगे सब। तो जब ये रफाल आ जाएगा तो 2 स्क्वाड्रन हम लोग के पास किसकी हो जाएंगी, रफाल की हो जाएंगी। हमारे पास जो कमी थी वो मीडियम लेवल की थी, छोटे जहाज की, जिसकी पूरी भरपाई कर देगा हमारा तेजस। अब बात आती है कि तेजस 2021 में तो समझौते हुए HAL को टेंडर दिया गया, ये बनाएगी कैसे, तेजस की फैक्ट्री कैसे डालेगी। तो देखिए हमारे पास जो सुखोई जितनी की जरूरत थी तो सुखोई जहाजों को हम लोगों ने बना के रेडी कर दिया। तो सुखोई जहाज को बनाने के लिए जो असेंबली लाइन बनाई गई थी, असेंबली लाइन मतलब होती जहाजों को बन के, मतलब यहाँ एक जगह साइलेंसर लगेगा, यहाँ इंजन, यहाँ रडार वगैरह, हर चीज की एक असेंबली लाइन होती है जहाजों में, फिक्स होता है यहाँ यहाँ ये चीज को लगाया जाएगा। तो हमारे पास सुखोई 30 का असेंबली लाइन खाली है और उसी में HAL क्या करेगी, इसका असेंबली लाइन डाल देगी तेजस का, और इसे 2024-25 तक में डिलीवर करना चालू कर देगी, जिससे कि हमें विदेशी टेंडर भी मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है ये। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 का जो मेटल कटिंग है वो भी काम चालू हो गया है, उसके कल पुर्जों को भी बनाना चालू किया जा चुका है, उसके जो मतलब प्रोटोटाइप होगा, एक मॉडल होगा, उसको भी बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा ताकि उसके एडवांस वर्जन को भी लाया जा सके। अब भैया चाइना और पाकिस्तान ने मिलके तो एक जहाज बनाया है GF-17 थंडर, अब वो खतरनाक है कि ये खतरनाक है। देखिए हम लोग तुलना करते हैं, हम लोग का ये जो पहला प्रोटोटाइप उड़ा था वो 2001 में उड़ा था, लेकिन फाइनली जो लिया गया 2015 में इसे शामिल किया गया, यहीं पे हम लोग मार खा गए, बहुत लेट हो गए। और ये GF-17 चाइना ने जो क्या किया था, 2003 में बना के 2010 में इसे उड़ाना चालू कर दिया था, जिस वजह से इसके पास थोड़ा सा टाइम बचत हो गया। लेकिन अगर ध्यान देंगे तो हम लोग का जो डेल्टा विंग है यानी इसकी जो साइज है वो डेल्टा विंग की तरह है, जबकि ऐसा इसमें नहीं, इसमें टेल विंग है। जैसे पाकिस्तान में देखेंगे ना जो GF-17 है, ये तो चाइना पाकिस्तान क्या बनाया होगा, मेरे ख्याल से पेंट किया होगा बस, बाकी सारा काम तो चाइना ने किया होगा। इसमें एक टेल विंग भी दिया गया है, टेल विंग। तो ये जहाजों की ये खराबी क्या होती है, जिसमें विंग और टेल विंग दोनों होते हैं, कि अगर गलती से भी कोई पार्ट पुर्जा हल्का सा भी उड़ गया तो फिर ये बैलेंस नहीं कर पाते खुद को। और डेल्टा विंग की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये बैलेंस कर लेते हैं, एक और का उड़ियो जाएगा इतना ना तो बैलेंस करके उतर जाता है, तो ये भारत के लिए अच्छा है यहाँ पर। अब देखिए भारत ने पहले तो 40 लिया था, अभी 83 का ऑर्डर दिया है, जबकि पाकिस्तान 135 का यूज़ कर रहा है और 65 और इसका ऑर्डर किए हुए, यानी उसके पास प्रोडक्शन लाइन ज़्यादा है। उसमें कुछ विदेशी देशों को भी भेजा है, जैसे नाइजीरिया वगैरह को, म्यांमार वगैरह को, तो छोटे देशों को भेजा है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं दिया गया है उस वाले को, जबकि भारत का तो अभी खुद की ज़रूरत नहीं पूरी हो पा रही है, तो दूसरे को कहाँ से हम लोग देंगे। हम लोग ने जो इंजन लगाया है वो इंजन अमेरिका का GE कंपनी ने बनाया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जबकि इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो रसिया का इंजन है, रशियन मेड इंजन है। हम लोग का जो ज़्यादातर पार्ट पुर्जा तेजस में लगाया गया है वो मल्टीपल नेशन से आया है, यानी रडार इसराइल से मंगा लिए हैं लोग, इंजन अमेरिका से मंगा लिए हैं लोग, विंग्स वगैरह में जो लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक सेंसर थे वो रसिया से मंगा लिए हैं लोग। ये हम लोग के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जहाँ जहाँ से हम लोग मंगाए हैं वहाँ वहाँ से हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए। तो भैया मंगाए हैं तो संबंध तो अच्छा ही होगा, लेकिन अगर हम किसी देश को बेचते हैं, मान के चलिए कि हम UAE को बेच देते हैं या ईरान को बेचते हैं सपोज कीजिए, तो हम लोग को तो लगेगा बहुत अच्छा है ईरान को बेचेंगे, तो फिर इसराइल कहेगा कि ईरान को बेचोगे तो हम रडार नहीं देंगे। तो ये हम लोगों ने एक तो लोचा पाल के रख लिया है कि हमारा भी संबंध अच्छा होना चाहिए जिसे बेचेंगे उसका भी, जबकि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, इसके सारे पार्ट पुर्जे चाइना नहीं दे रखे, इसलिए कोई भी देश को इजीली रहेगा कि हाँ भैया ये जहाज खरीद लो, कुछ भी घटेगा चाइना से आ जाएगा, और चाइना अगर चाइना से व्यापार करते हैं तो चाइना भी आपके लिए खड़ा रहेगा। ये चाइना की एक प्लस पॉइंट होती है, वो मतलब अगर उसका डिफेंस डील अच्छा है तो कहीं पर भी खड़ा हो जाता है, वो आतंकवादी को भी बचाने लगता है। मसूद अजहर को तो चाइना ही ने बचा लिया, वो ये नहीं देखता है कि क्या है क्या नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद है वो बचा लेगा यहाँ पर, तो ये कि ये उसके लिए फायदा है। तो खैर हम लोग भी डिफेंस में थोड़ा सा बहुत डीले कर देते हैं, लेकिन हम लोग भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और अब दोस्तों ये था वीडियो,
खैर खान सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत सही लगा, काफ़ी मजाकिया भी है ना। और जो बताया इन्होंने तेजस के बारे में, सबसे अच्छी न्यूज़ जो अभी सुनने में आई कि 48,000 करोड़ के तेजस, 83 तेजस इंडियन गवर्नमेंट जो इंडक्ट कर रही है, उन्होंने HAL को ऑर्डर दिया है। बहुत अच्छी न्यूज़ दोस्तों कि सारा का सारा पैसा जो 48,000 करोड़ है वो हमारे कंट्री में ही आएगा, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन लाइन होंगी, HAL इसे बनाएगा, HAL के पास कॉन्ट्रैक्ट है, HAL ऑलरेडी, HAL के पास एक्सपीरियंस है सुखोई को बनाने का, तो सारा एक्सपीरियंस यूज़ करके उन्होंने इसको डेवलप किया है, डिज़ाइन भी इंडिया में हुआ है, डेवलप भी इंडिया में, काफ़ी सारे पार्ट्स इंडिया में बनाए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे रेडार वगैरह है, कुछ एवियोनिक्स है जो बाहर से आई हैं, रेडार इसराइल से आ रहा है, इसराइल का तो खैर कहना ही क्या, उनके रडार्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हैं, एवियोनिक्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स काफ़ी आगे हैं, सबसे ज़्यादा PhD क्रिएट करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे आगे है इसराइल, उनका जो रिसर्च है उनकी वो बहुत आगे रहती है। खैर तेजस के लिए बहुत अच्छी बात है ये कि तेजस MK2 का गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, MK140 का जो ऑर्डर था वो कंप्लीट हो चुका है, अभी 83 और आ रहे हैं और MiG-21 को रिप्लेस किया जाएगा। MiG-21 जैसे बताया सर ने कि फ्लाइंग कॉफिन बहुत ज़्यादा गिरते थे, बहुत ज़्यादा पायलट्स की डेथ भी हुई, कई सारे एक्सीडेंट्स में घायल भी हुए, उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए बहुत ही सही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर राफेल भी HAL के पास आता तो आई थिंक HAL अपना एक्सपीरियंस यूज़ करेगी सुखोई को बनाने का, तेजस को बनाने का राफेल में, तो जो राफेल अभी इंडिया में बन रहे हैं वो भी बहुत सही है, HAL को एक्सपीरियंस मिल जाएगा 4.5th जनरेशन प्लेन बनाने के लिए, तेजस हमारा 4th जनरेशन प्लेन है, MiG-21 हमारा 2.5th जनरेशन प्लेन है जो 1964 में इंडक्ट किया था इंडियन एयरफोर्स में, और 1964 से अब तक हम लोग चला रहे हैं उसे, अपग्रेड कर करके काफ़ी पुराना हो चुका था। बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात तेजस की मुझे क्या लगी कि जो ये मेटल से नहीं बना है ना, जिसकी वजह से रडार में बहुत छोटा नज़र आता है और सामने वाले को जो है प्रॉब्लम होती है उसे रडार में लॉक करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को अभी भी ध्यान है US से, शायद US के एयर चीफ आए थे, उन्होंने तेजस का ट्रायल लिया था, तब उन्होंने कहा था बहुत ही बेहतरीन प्लेन है। और अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ भी सुनने को मिली थी कि US ने शायद इंडिया को कोई नोटिस वगैरह दिया है कि हम आपके तेजस जो है इंडक्ट करेंगे, बट आपको अपनी डिलीवरी जो है ना, HAL को अपनी डिलीवरी जो है वो डिलीवरी रेट जो है वो सुधारना पड़ेगा, तो ये भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनको नेवी नेवी वेरिएंट बेसिकली चाहिए उनको, और 200 या 300 के आसपास एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, और तेजस जो है वो 4th जनरेशन के साथ साथ नेवी वेरिएंट को भी डेवलप कर रहे हैं, एयरफोर्स के साथ साथ नेवी वेरिएंट को अरेस्टेड लैंडिंग के साथ, उसका ट्रायल भी हो चुका है और सक्सेसफुली रहा है, बहुत बहुत ही, मतलब सोच सोच के कभी तो इतना अच्छा लगता है कि हम लोग अब धीरे धीरे हम लोग कितना आगे निकल रहे हैं, पहले हम लोग सारे प्लेन्स बाहर से लेके आते थे, अभी राफाल डील को ही देख लो, अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ के आसपास हमने 36 रफाल्स लिए, और अभी 48,000 में, 48,000 करोड़ में हम लोग 83 तेजस ले रहे हैं, तो काफ़ी काफ़ी डिफरेंस है डील में, और सारा का सारा पैसा इंडिया में ही आने वाला है, सबसे अच्छी बात यही है। और दूसरी चीज़ हम लोग मिसाइल्स भी डेवलप कर रहे हैं DRDO, उसमें जो मिसाइल्स लगनी है जैसे ब्रह्मोस है एयर टू एयर, उसकी रेंज भी इंक्रीज कर रहे हैं, DRDO बना रहा है उसको, बहुत मतलब बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना बेहतरीन ब्रह्मोस, एयर टू ग्राउंड वर्जन है, एयर टू एयर वर्जन है, अस्त्र हम लोगों ने बना लिया है, अभी ट्रायल फेज में है फिर भी, लेकिन हम लोग उसे फिर भी यूज़ करेंगे शायद इसमें, जो हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया ने 35-40 मिसाइल्स एक साथ तकरीबन 1.5 से 2 महीने में टेस्ट किए थे, तो ये देख देख के, सोच सोच के बहुत ही अच्छा लगता है। तो और कुछ दोस्त, अगर मैं कुछ दोस्त अगर मैं और कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ बताइएगा और नीचे सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, काफ़ी कुछ है वैसे सर ने जो बता दिया, और MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए हम लोग तेजस को ले रहे हैं, सबसे अच्छी बात है, 1964 में हमने इंडक्ट किया था, बेहतरीन बेहतरीन, इससे बेहतरीन कुछ नहीं होता।
दोस्तों मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।